नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं ईश्वर सनोरिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल आइडियल इंग्लिश सीहोर में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की हम इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल सरल इंग्लिश। सो दोस्तों, ये बेसिक लेवल के इंग्लिश लैंग्वेज का ये तीसरी क्लास है अपनी, तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की सिंपल प्रेजेंट की, सामान्य वर्तमान की। उसमें हमने बात की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सब्जेक्ट का मतलब है किसी सेंटेंस में हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ही के बारे में, तो ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। देन वर्ब के बारे में आप जानते हैं, हमने लिखा कि सिंपल प्रेजेंट में तीन वर्ब हैं, इज, एम, आर। इनके रूल के बारे में भी हमने समझा कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में हमें इज का प्रयोग करना होगा, आई के साथ एम का प्रयोग करना होगा, और वी, यू, दे एंड प्लुरल नंबर के साथ जो है हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में किस प्रकार से आप प्रयोग करें। बिल्कुल सरल रूल है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के जो रूल्स हैं आगे की क्लासेस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। सो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण सा अर्थ है सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात की जा रही है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, यानी हम मना नहीं कर रहे हैं किसी बात के लिए, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, सामान्य तौर पर सीधे सीधे वाक्य हम बोल रहे हैं राहुल खुश है। तो ये एक अफर्मेटिव है। भोपाल बड़ा शहर है, मैं एक टीचर हूँ, राहुल मेरा दोस्त है, वे अच्छे लोग हैं, मोहन खुश है, इसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ रेडी, वह तैयार है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करें? नेगेटिव में चेंज करना बिल्कुल आसान है। नेगेटिव में सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंटेंस की जो भी हेल्पर है उसके साथ हमें नियम अनुसार नॉट लगा देना है। जैसे कि ये ही इज़ नॉट रेडी, तो ये आपका होगा एक नेगेटिव सेंटेंस। ही इज़ रेडी अफर्मेटिव है, इसका अर्थ हुआ वह तैयार है, और हमें कहना वह तैयार नहीं है, मतलब हमने मना कर दिया चीज़ों को, तो हमने कह दिया ही इज़ नॉट रेडी। तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज के बाद में या एम आर के बाद में नॉट का प्रयोग आपको करना होगा। तो सेंटेंस हुआ ही इज़ नॉट रेडी। अफर्मेटिव और नेगेटिव के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज जरूर करें। ओके, अब इसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछना। जैसे हम इसके बारे में यदि प्रश्न पूछेंगे तो हम कहेंगे क्या वह तैयार है, तो क्या वह तैयार है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंगर का यूज़ शुरू में करेंगे। जैसे ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो ये हेल्पिंगर जो बाद में लगी थी इसको शुरू में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इज ही रेडी। सो इसका अर्थ हुआ क्या वह तैयार है, शुरू में हेल्पिंगर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ता है। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका अर्थ है इसमें हम प्रश्न भी पूछेंगे और चीज़ों के लिए मना भी करेंगे। जैसे इस सेंटेंस को हम कहें क्या वह तैयार नहीं है, तो हमें कहना पड़ेगा इज ही नॉट रेडी, इज ही नॉट रेडी। सो यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंगर लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट। सेंटेंस हुआ क्या वह तैयार नहीं है, हम कहेंगे इज ही नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं है। आइए दोस्तों, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम। सेंटेंस हमने बनाया दे आर गुड, बे अच्छे हैं, दे आर गुड। अब हमें कहना बे अच्छे नहीं हैं, सो हमें मालूम है नेगेटिव में हमें करना होगा दे आर नॉट गुड, यानी कि हमें हेल्पर के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, दे आर नॉट गुड। क्या वे अच्छे हैं, तो हमें मालूम है कि हमें हेल्पर शुरू में लगाना है, तो हमें कहना होगा आर दे गुड। सो आर दे गुड का अर्थ हुआ क्या वे अच्छे हैं। इंट्रोगेटिव में हमने दे के पहले आर लगाया, यानी हेल्पर का यूज शुरू में करा। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हमें कहना होगा क्या वे तैयार नहीं है, तो हमें कहना होगा आर दे नॉट गुड। सो यहाँ पर हमने शुरू में हेल्पर लगाई और सब्जेक्ट के बाद लगाया नॉट, ये आपको कहना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई हमने एक सेंटेंस लिखा अफर्मेटिव, भोपाल इज स्मॉल, भोपाल इज स्मॉल, भोपाल छोटा है,
ये एफर्मेटिव, भोपाल इज स्मॉल। अब हमें कहना नहीं भोपाल छोटा नहीं है, तो हम कहेंगे भोपाल इज नॉट स्मॉल, भोपाल इज नॉट स्मॉल। यहाँ पर हमने भोपाल के बारे में चीज़ों को मना किया, तो हम कहेंगे भोपाल इज नॉट स्मॉल। क्या भोपाल छोटा है? सो हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा इज भोपाल स्मॉल। ये देखिए, शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करा, और क्या भोपाल छोटा नहीं है? सो हमें कहना होगा इज भोपाल नॉट स्मॉल। यानी कि एफर्मेटिव में हम सिंपली किसी चीज़ के बारे में सामान्य बात करते हैं, जैसे कहा भोपाल इज स्मॉल। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में शुरू में हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप कोई भी एक सेंटेंस लेते जाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बोल के देखें। कुछ और सेंटेंस लिख लेते हैं हम। हमने लिखा शी इज अ डॉक्टर। अब इसको हम जानते हैं नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, शी इज नॉट अ डॉक्टर। इंट्रोगेटिव इज शी अ डॉक्टर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज शी नॉट अ डॉक्टर। तो दोस्तों, यदि आपको एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ दे आर माई फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसका नेगेटिव बना के दिखाना है, साथ में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यानी एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया है, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ये तीन सेंटेंस आपको लिखने हैं। आपको नेगेटिव बनाना है इसका, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली क्लास में बात करते हैं बेसिक लेवल की इंग्लिश सीरीज में कुछ नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच।